बलरामपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद ही जिले में प्रवेश दिया जाता है। सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने इसके लिए 8 अंतर्राज्यीय कोविड चेक पोस्ट बनाए हैं। बलरामपुर जिला के सीमा झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगी है। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले लोगों से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति को कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे जिले में ही क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है। अंतर्राज्यीय कोविड चेक पोस्ट का मुआयना समय समय पर एसपी और कलेक्टर करते हैं। सासाराम से आ रहे हैं, कोरबा जा रहे हैं घर के लिए। ये अच्छी बात है कि यहाँ बॉर्डर पे अदर राज्य से जो आ रहे हैं पब्लिक, उनके लिए मतलब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मतलब चेकअप हो रहा है कोविड का। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई बाहर राज्य से जो आ रहे हैं उनको कोविड टेस्ट करके अंदर राज्य के अंदर एंटर किया जा रहा है। सर के आदेश के अनुसार मतलब झारखंड से आने वाले छत्तीसगढ़ का एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ मतलब पॉजिटिव कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको आरागा ही कोविड सेंटर में रेफर कर दिया जाता है। यहाँ से उनका नाम, उनके पापा का नाम, एज, लिंग और मोबाइल नंबर, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, उनका मतलब स्वास्थ्य का कंडीशन देख रहे हैं सर, और टेम्परेचर चेक करते हैं, और फिर रिपोर्ट एंटीजन टेस्ट का। अपना बलरामपुर जिला इंटर स्टेट कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, बहुत सेंसिटिव है कोविड के मामले में, तो अपन काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं कि जिले से अन्य राज्यों से जो आने वाले हैं तो जो भी लोग हैं उनका सतत जांच कर रहे हैं अपन। और इसके लिए जितने भी अपने 6 महत्वपूर्ण बॉर्डर हैं वहाँ पर हमारी टीम लगी हुई है, उसके अलावा वहाँ कोटवार, अन्य विभागों के पुलिस वाले सभी लगे हुए हैं, और जितने भी अपन सिम्टोमेटिक हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं जो यहाँ स्टे करना चाहते हैं उन लोग को अपन टेस्ट।